उधर ही चल जाओगे? मेरे को बैजनाथ जाना है। मैं यही गरुड़। ये देखो देख रहे हो, मैंने थोड़ा पैर धो लिए हैं, और जो उत्तराखंड के कुछ मेरे भाई हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक। यहाँ से ये इतना ही दूर होगा जितना ही दिखाई दे रहा है। जी जी, मैं फिर उतना बागेश्वर वाले रोड में चले जाना आप जी, नहीं तो पता नहीं पूरी रात फिर दिक्कत ही हो जाएगी मेरे को। थोड़ा भाई अभी मैंने बाल और दाढ़ी सेट करा लिए, क्योंकि भाई काफी ज्यादा मतलब ऐसे हो गया था, इधर बढ़ने लगी थी। उस टाइम में हो सकता केदारनाथ पहुंचा तो बाबा ही बन जाऊं बिल्कुल, बट ऐसा नहीं करना। फिलहाल अभी करवा लिया सेट, और अभी यहां से ऑलमोस्ट जहां चल रहा हूं मैं 10-15 किलोमीटर है, बैजीनाथ करके जगह है जहां पे भी मेरे को जाना है। तो बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, वहां जाके कैंपिंग का देखते हैं जुगाड़ क्या है, और खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और देखते हैं। अभी फिलहाल सुबह से चल ही रहे हैं, आज थोड़ा कम चलाऊं क्योंकि एक भाई ने मेरे को 30-35 किलोमीटर तो उसी ने लिफ्ट दे दी, अभी थोड़ा सा यहाँ से रह गया है, देन देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। करण प्रयाग फिर यहाँ से 100 किलोमीटर रह जाएगा ऑलमोस्ट, तो पास ही आ रहा हूँ बस। सब बाय द वे, जब से मैं अभी यहाँ पे उत्तराखंड में आया हूँ ना, जब से मैंने कोई भी ट्रांसपोर्ट पे एक रुपया भी खर्च नहीं किया भाई, जब से हिचहाइकिंग करके चल रहा हूँ, पैदल ही चल रहा हूँ, तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं भाई, थोड़ी देर दूर पे जाके लिफ्ट मिल जाती है, तो ये लगा लो एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ अभी। हाँ बाकी खाने पीने में तो खर्च हो ही जाता है, वो तो बेसिकली है, वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी अगर वैसे लगाएं ट्रांसपोर्ट वगैरह का तो भाई बिल्कुल एकदम जीरो है, तो उसमें तो अभी तक कोई भी खर्चा वगैरह हुआ नहीं है। और फिलहाल आखिर देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा। ले जा रहे हो क्या? उधर ही चल जाओगे? नहीं जाना, मेरे को बैजनाथ जाना है। इधर से आ रहे हो? मैं इधर से आया था अल्मोड़ा से पैदल। हाँ पैदल। पैदल क्यों? मैं ऐसी यात्रा कर रहा था चार धाम की। अच्छा जी, धन्यवाद भैया। चलो मैं बुलंदशहर। Lots of you are like a taunt, never really noticed what you want. तो भाई फिलहाल अभी लगा लो, सुबह से चला हुआ था 10:30 बजे से, और अभी हो गए 3:30 बज गए। ये लगा लो, अगर अभी मेरे को लिफ्ट नहीं मिलती तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजे तक मेरे को कैंपिंग करनी पड़ेगी। बट मेरे को भैया मिल गए, ये भैया हैं जिन्होंने मैंने छोड़ा। क्या नाम भैया आपका? प्रमोद भट्ट। प्रमोद भट्ट, आप कहाँ से हो? मैं यही गरुड़। अच्छा गरुड़ से? हाँ, मेरा ग्राम पड़ता है पाटली। जी जी जी, तो अभी जहाँ पे अभी हमें प्रेजेंट टाइम में ये कौन सी जगह है? अच्छा गरुड़ है ये। तो अभी जो मेरे को जाना है बैजीनाथ के लिए, वो यहाँ से थोड़ी दूर, ये बैजीनाथ है कि बैजनाथ है? बैजनाथ। तो ये बैजनाथ है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर रह गया है बस। अभी भैया ने मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया, कम से कम कुछ नहीं 20-25 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, तो भैया काफी ज्यादा थैंक यू। और अभी छड़ी हाथ बीच में आ जाती है, ठीक है भैया, मिलेंगे आपसे फिर। और अभी चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर लो, तो वहाँ मिलते रहेंगे। तो भाई मैं चैनल भी सब्सक्राइब कराता चल रहा हूँ, ताकि भाई लोग सब बने रहे मेरी फैमिली में। तो थैंक यू भैया, आपने मेरे को यहाँ तक छोड़ा है। You don't understand the pain it brings. तो भाई फिलहाल अभी मैं पहुंच गया हूँ बैजनाथ मंदिर, जो कि भाई ये रहा देखो, हर हर महादेव। तो भाई अभी बिल्कुल मेरे जस्ट सामने है ना, यहाँ पे भाई भयंकर एक नंबर झील है। ये देखो देख रहे हो, मैंने थोड़ा पैर धो लिए हैं, क्योंकि भाई मैं सुबह शाम चलता रहता हूँ ना, तो पैरों में स्मेल हो जाती है। और मेरे पीछे है यहाँ पे मंदिर, तो बस अभी मंदिर में चलते हैं, अंदर दर्शन करते हैं। इतनी दूर से आए भाई मेहनत करके, आज ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 15-20 किलोमीटर में चल लिया, बाकी तो मेरे को लिफ्ट वगैरह मिली गई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे भाई लोग मेरे को मिले, जिनसे मैंने वीडियो वगैरह शेयर की, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। अभी फिलहाल भाई चलते हैं अंदर मंदिर में। काफी प्यारा मंदिर है, मतलब कि ये लगा लो कुछ नहीं तो ये जितने ही मंदिर है ना 1000-2000 साल पुराने हैं। और अंदर जो मंदिर में मूर्ति रखी है वो शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है। खैर अंदर जाके फोटो वगैरह वीडियो अलाउ नहीं है, बट आप लोग ना बाहर से दर्शन कर लो। ऑलमोस्ट जितने भी उत्तराखंड के अंदर जो प्राचीन मंदिर है ना, सब के सब एक जैसे लगते हैं। तो बिल्कुल भाई ये भी एकदम बहुत प्राचीन मंदिर है, और मैं इन सबको विजिट कर रहा हूँ। और जो उत्तराखंड के कुछ मेरे भाई हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और भगवान की जितनी भी मनोकामनाएं सबको पूर्ण करे। और बस भाई मैं और क्या कह सकता हूँ यार, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा मैं। और बाकी बट यहाँ ऐसी जगह पर आने के बाद में मेरे को बड़ा फील होता है, मतलब कि बहुत मैं कुछ अच्छा ही काम कर रहा हूँ। और आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करो, और जितने भाई मेरे उत्तराखंड से हैं सब मेरी वीडियो शेयर करो। और भाई अगर मेरे को कभी इन फ्यूचर जहाँ अभी मैं जहाँ जहाँ से निकल के जा रहा हूँ, अगर मेरे को कभी आने का मौका मिला, कहीं मैं बड़ा यूट्यूबर बना, तो मैं पक्का 100% आऊँगा, और भाई आप सब लोगों से दोबारा से मिलूँगा, और कहीं पार्टी करेंगे मस्त। अभी आप लोग मंदिर के दर्शन कर लो मेरी नज़रों से, तो दिखाता हूँ भाई आप लोगों को।
क्योंकि मैं दूर से आया हूँ ना, चार धाम की यात्रा कर रहा हूँ, तो अभी इधर से आया था निकल के नंदा देवी से, अल्मोड़ा से। काल का मंदिर है ना? जी जी, बुद्ध जी सामने वहाँ विश्वनाथ, वहाँ काल का मंदिर है। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? किलोमीटर नहीं है, यहाँ से ये इतना ही दूर होगा जितना ही दिखाई दे रहा है। जी जी, नहीं फिर वो इतना बागेश्वर वाली रोड में चले जाना आप। जी जी जी, वो वहीं पर वहाँ रहते हैं साधु संत लोग जो भी। अच्छा 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 अच्छा, वही रहते हैं यहाँ रहने का ऑर्डर नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो खैर कोई नहीं है, वहाँ रहो, वहाँ पानी का भी व्यवस्था है, रहने का कमरा भी है। जी जी, और बाकी खाना पीना आप लोगों का ही होगा वहाँ, बाबा तो है। नहीं नहीं, खाना पीना तो वो कर लेंगे, बस रहने की जगह चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी जर्नी आगे तक जाना है काफी मेरे को, केदारनाथ बद्रीनाथ। अब वहाँ रहना है तो ठीक है, आप होटल में तो भाई खर्चा आएगा। होटल नहीं, होटल का रहने कोई फायदा नहीं, कैंप है ना मेरे साथ में, वो टेंट लिया हुआ है मैंने, हो गया फिर तो उसको लगा लेता हूँ मैं कैंप। लगा लो वहाँ मंदिर देखना। जी जी, वहाँ पर गाड़ देना फर्स्ट क्लास, ये रोड है नीचे। बाग वाग का तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर कुछ? अच्छा, बाग वो नहीं तो रास्ता किधर से चला जाऊँ मैं? आप इधर से भी जाओगे? जी जी, कालिका मंदिर है ना आप? जी 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 ना? जी जी, मंदिर दिख रहा है सामने। जी जी, रोड पे जाना है। जी जी जी, यहाँ पे है जो पोलियो हाउस नहीं लगा है। जी जी, सामने है ठीक, बस वो पोलियो हाउस दिखाई दे ना। जी जी, तो इधर ही है, इधर सामने है वो, इससे ज्यादा पाकिस्तान और भी मिलेंगे आपको। मंदिर 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 और ये है मंदिर, आप सो लेना ऊपर, ठीक है? जो शिविर से है उसको शिविर से जाना ऊपर। जी जी जी, वहाँ पर पानी हानी सब होगा वहाँ। जी जी, आराम से रहो अपना, रहने की व्यवस्था सब होगी। ठीक है भैया, धन्यवाद। नहीं नहीं, अकेला हूँ जी मैं। अच्छा हाँ, बुलंदशहर से स्टार्ट किया था मैंने। खाना कहाँ आओगे फिर? खाना तो यहीं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पर खा लेना आप, वहाँ आराम से अपना जो है भूलना है, शाम को ऐसे कर खा लिया अपना, टेंट खोल दिया बस, रखिए करके आ जाओ एक बार देखो। अभी मैंने अंकल जी से पूछा था कि कहाँ पे मैं कैंपिंग वगैरह कर सकता हूँ, तो अंकल जी कह रहे थे मंदिर पे तो कर नहीं सकते, वहाँ पे अलाउ नहीं है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर, काली देवी का एक मंदिर है, देन वहाँ पे कर सकता हूँ कैंपिंग वगैरह, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो कहीं अपने को दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहाँ से बैजनाथ मंदिर जो है वो देखो, वो है ना वहाँ है बिल्कुल पूरा, और यहाँ पर पूरी झील बनी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा वाइड एंगल में है ना, तो ज़्यादा दूर लग रहा होगा आपको, लेकिन इतनी दूर है नहीं। अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा हूँ रास्ते पे, यार चढ़ाई पे पता नहीं क्यों सांस फूलने लगता है बहुत ज़्यादा, एक तो हैवी भी है ना, कम से कम कुछ नहीं तो 30 किलो के आसपास में मेरे पास में वेट है, तो भाई जान निकल जाती है चलते चलते। यार देख रहे हो ऐसे चढ़ाई है, देखो ऐसा ही, देखते हैं भाई पहले कैंपिंग का करता हूँ, उसके बाद कुछ खाऊंगा पीऊँगा, और कैंपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो बात खराब हो जाएगी। भाई अभी ना बाहर बारिश आ रही है बहुत भयंकर वाली, तो अभी कहीं पे कैंपिंग वगैरह का भी कुछ व्यवस्था हुई नहीं है, बट अभी देखता हूँ कहीं ना कहीं तो भाई करनी पड़ेगी। अभी भैया से बात बात हुई है, फिलहाल अभी मैं खा रहा हूँ खाना, कुछ रोटी जिसमें रखी हुई है, पहले खाना वाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कैंपिंग वगैरह का कहाँ हो सकती है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और अभी बारिश आ गई है भाई, बाहर ना भयंकर बारिश आ रही है, तो बस खाना वाना खाता हूँ उसके बाद में, बस कैसी भाई भगवान हो जाए कैंपिंग वगैरह का तो देख। अभी तो भाई साहब यहाँ पर भयंकर बारिश हो गई है, मैंने छाता निकाल लिया, अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई TRC करके जगह है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे जाके आप रह सकते हो, तो अभी उसी के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं अगर मिल जाए तो भाई सही है, नहीं तो पता नहीं पूरी रात फिर दिक्कत ही हो जाएगी मेरे को, क्योंकि है ना नई नई जगह है, तो भाई उसके बारे में प्रॉपरली पता नहीं होता, और जैसे जो बता रहे हैं लोकल लोग उन्हीं की सुन के बस जा रहा हूँ फॉलो करके। तो फाइनली भाई अभी मेरे को जगह मिल गई, जहाँ पे अभी मैं हूँ ना ये गवर्नमेंट की पार्किंग है, तो भाई अभी फिलहाल ऊपर गया था मैं, तो उन्होंने कहा बोला ठीक है आप नीचे जाके लगा सकते हो कैंप, तो अभी रात में दिख नहीं रहा होगा, ये देखो अंधेरे में ये कैंप इधर में लगा लिया, और ये ना ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पार्किंग है यहाँ पे, और सामने ही है वहाँ पे मंदिर, और इसके सामने इधर है झील। रात को ना भी मेरे को लगता है ठंड लगने वाली है, क्योंकि मेरे पास में स्लीपिंग बैग नहीं है ना, तो बस भाई उसी का थोड़ा मेरे को खतरा है, बाकी मेरे पास में नॉर्मली चद्दर वगैरह है, अभी देखते हैं रात उससे अगर ठंड रुक जाए, क्योंकि अब भाई हवा ना भयंकर चल रही है, और बिल्कुल मेरे पीछे झील है यहाँ पे, पर थोड़ा ये है कि भाई यहाँ पे सेफ्टी तो हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी कुछ भाई नीचे मेरे को मिले थे, उन्होंने अपना नंबर मेरे को दिया, कह रहे थे रात में कोई अगर इशू होता है तो मेरे को कॉल कर देना, तो भाई अभी कुछ देखते हैं भाई, अभी रात में फिलहाल यहाँ पे सोते हैं, और अभी मस्त एरिया है, कोई वैसे दिक्कत मेरे को लग नहीं रही है बाघ वगैरह की, और वैसे लोग कह रहे हैं कि बोला ऐसे बाघ वगैरह आता भी नहीं है साइड में, क्योंकि जंगल एरिया नहीं है ये, पब्लिक एरिया है, और बिल्कुल जो मेरे सामने है ना यहाँ से हाईवे जा रहा है, तो रोड पूरी रात भर चलती है, बिजी रहती है, तो चलो भाई मे भी अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऑलमोस्ट आज मैं कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 किलोमीटर तो चल जाऊँगा, और भाई कम से कम कुछ नहीं तो 6-7 लीटर पानी तो मैं डेली कप पी ही जाता हूँ,
अभी चलो खैर फिलहाल अभी सोते हैं क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। पूरे ये तो कन्ने है ना, ये बहुत ज्यादा दुखने लगते हैं क्योंकि बैग कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 किलो वेट तो मैं डेली का कैरी कर रहा हूँ भाई, तो समझ सकते हो यार कैसी मेरी हालत हो जाती होगी। अभी खाना पीना मैंने खा लिया है तो बस थोड़ा उसी की वजह से मैं लेट हो गया यहाँ पे, नहीं तो फिर एक यहाँ से एक और आगे के लिए मंदिर है वहाँ पे जाके मैं आराम से रह सकता था, वहाँ धर्मशाला भी थी अच्छा था, बट वो ये कि लेट हो गया तो अभी जाना सही नहीं है, रिस्की मामला हो सकता है। तो खैर कोई नहीं, अभी भगवान जैसा करा रहा है ऐसे ही ठीक है भाई, अब जो होगा देखी जाएगी मस्त। बट अभी फिलहाल अच्छी जगह पे हूँ मैं, यहाँ पे पार्किंग में अपना लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सोता हूँ और आप लोग प्लीज़ मेरे को प्यार करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और भाई मिलते हैं आपसे कल दोबारा एक नए सफर के साथ में। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।